मोड में सीएम भजनलाल शर्मा, कुलदीप राका सहित चार आईएएस अधिकारियों को एपीओ कर दिया गया है। योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी बना दिया गया है। तो बड़े बदलाव यहां पर राजस्थान में अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले करीब ढाई घंटे से इस समय सीएमओ में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी चल रही है सीएम की। एक और तबादला सूची आ सकती है सामने। आपको बता दें करीब 2 बजे सीएम का महारानी कॉलेज जाने का कार्यक्रम भी है। सीएम विकसित भारत अभियान लॉन्चिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो एक्टिव और एक्शन मोड में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक और तबादला सूची अभी आ सकती है। करीब 2 बजे सीएम का महारानी कॉलेज जाने का कार्यक्रम है। विकसित भारत अभियान लॉन्चिंग कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं सचिवालय से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, एक्टिव और एक्शन मोड यहां पर दिखाई दे रहा है, मीटिंगों का सिलसिला जारी है और अब चार जो बड़े आईएएस अधिकारी थे उनको एपीओ कर दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? एक्शन मोड की बात है तो सीएम भजनलाल उसी दिन से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तब से उनको विधायक दल में सीएम का चेहरा घोषित किया था। हाँ, एक्टिव मोड की आप बात करते हैं तो कल शपथ ग्रहण करने के बाद और पदभार ग्रहण करने के बाद ही भजनलाल शर्मा लगातार एक्टिव मोड में हैं। और कल जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संकेत दिए कि किन मुद्दों को लेकर अब राजस्थान में आपको बदलती हुई तस्वीर नजर आएगी, उसकी झलक आज सचिवालय में हुई बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए उसमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले उन्होंने योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी नियुक्त किया और इसके बाद एक सूची सामने आती है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आने वाले दिनों में सरकार का क्या चेहरा हो सकता है और सरकार किस मोड पे और किस एक्टिव मोड में आपको नजर आएगी। क्योंकि जो मुख्यमंत्री के प्रमुख शासन सचिव रहे कुलदीप राका, सचिव गौरव गोयल, संयुक्त सचिव आरती डोगरा और विशिष्ट सचिव राजन विशाल को एपीओ कर दिया गया है। लगातार कई मुद्दों को लेकर कुलदीप राका पर तो आरोप भी लगे थे। भारतीय जनता पार्टी कई प्रदर्शन के दौरान, आंदोलन के दौरान उन पर आरोप भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए थे, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन दरअसल होता क्या है सौरभ, क्योंकि जब चेहरा बदलता है सरकार का तो अब सरकार बदली है, इसका जनता को एहसास कैसे होगा? आपके निर्णयों से, आपके फैसलों से। और ये फैसले को कैसे लिए जाते हैं? प्रशासन के दम पर, ब्यूरोक्रेसी के दम पर। तो ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलना सरकार के बदलने के साथ ही रूटीन प्रक्रिया होती है। और चूंकि ये अधिकारी को जो मैं आपके नाम आज चार जिनको आईएएस अधिकारियों को उपयोग किया गया, ये गहलोत सरकार के अहम अंग थे, उनके कान नाक आंख थे, तो ऐसे में उनको बदलना बेहद जरूरी था। अब देखने वाली बात यह होगी इन सभी पोस्टों पर किन की नियुक्ति की जाती है। और जैसा कि मैंने कहा, एक चीज जो नजर आने वाली है, कल उन्होंने पेपर लीक मामले को जो एसआईटी गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है उसको लेकर भी ताजा अपडेट हमें कभी मिल सकता है। और अभी चूंकि मीटिंग लगातार बदस्तूर जारी है और भी इस तरह के एक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं सौरभ। ठीक है, आज सीएम का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है लाल सिंह, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी सौरभ, आगे अभी आधे घंटे और ये मीटिंग चलेगी और इसके बाद उनका महारानी कॉलेज जाने का कार्यक्रम है जी। और वहाँ पर जो विकसित भारत अभियान लॉन्चिंग करेंगे आज पीएम मोदी वर्चुअली, उसमें वो भाग लेंगे। ठीक है, जैसा कि उन्होंने कल कहा था लाल सिंह, ये भी आ रही है कि दूसरी सूची, तबादला सूची भी जल्द ये मीटिंग खत्म होने से पहले जारी हो सकती है। देखिए बिल्कुल, चूंकि इस तरह का जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि अभी और भी इस तरह की आपको सूचियां मिल सकती हैं। सूची से मेरा मतलब तबादला सूची हो सकती है, कुछ और एक्शन लिए जा सकते हैं अधिकारियों पर, इस तरह एक और सूची आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन करीब वो 2 बजे उनका निकलने का कार्यक्रम है, महारानी कॉलेज वो जाएंगे, वहां पर विकसित भारत लॉन्चिंग अभियान कार्यक्रम शिरकत करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार, जिनका कहना था कि सीएमओ में लगातार एक्टिवनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम खुद एक्टिव और एक्शन मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर एपीओ कर दिया गया है, चार आईएएस अधिकारियों को, कुलदीप राका सहित चार आईएएस अधिकारियों को एपीओ किया गया है। योगेश श्रीवास्तव को ओएसडी सीएम का नियुक्त किया गया है। तो अब आगे भी मीटिंग लगातार जारी है और कई बड़े फैसले यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, कई तबादला सूची भी जारी हो सकती है।